हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा। तो आज हम बेटा आपके पास क्वेश्चंस के ऊपर चलने वाले हैं ना, मॉडल्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, है ना। एक दो क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग मॉडल्स के प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड क्या डेटा पास एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू कितना डेटा पास है थ्री। आपसे बोला गया भाई जी कि आप एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू क्या करिए आप निकालिए। बोला चलो ठीक है, देखते हैं, है ना, डिस्कशन करेंगे हम लोग एक्स के वैल्यू पे। तो चलिए भाई साहब सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन करना चालू करेंगे हम लोग, तो आप बोल दोगे कि सर जो गिवन आपके पास है वो तो यही है ना कि एक्स माइनस वन का मॉड प्लस एक्स माइनस फोर का मॉड बराबर थ्री है। मैं बोला हाँ बिल्कुल यही है। मैं बोला सर आप मुझे सिखाए थे ये बात कि मॉड के अंदर का जो नंबर होता है ना उसको जीरो कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं जीरो। क्यों करते हैं उसको जीरो भाई साहब? उसको जीरो करते हैं सर ताकि, चूँकि मॉड जो है ना वहीं पर ब्रेक होता है जहाँ पे मॉड के अंदर का नंबर जीरो होता है। मैं बोला ठीक है, तो x बराबर वन आ गया और x बराबर कितना आ गया फोर। मतलब ये जो मॉडलस जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, x बराबर वन और x बराबर फोर पे के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो कैसा चेंज होगा समझिएगा, आप नंबर लाइन पर प्लॉटिंग कर दिया कीजिए। ये वन हो गया भाई साहब, ये फोर हो गया और ये माइनस इन्फाइनाइट हो गया और ये इन्फाइनाइट हो गया। सर तीन पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। सर तीन केस ले लीजिए और तीन केस में इसको ब्रेक कर दीजिए, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास कितना भाई साहब, केस वन हो गया और ये हमारे पास हो गया केस टू हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया केस थर्ड हो गया। बस समझ गया, पहले तो आप केस वन लीजिए। केस वन, केस वन में क्या है भाई साहब कि एक्स का रिजल्ट वन से छोटा, एक्स का रिजल्ट वन से बेटा छोटा ले लिया हमने। चलो ठीक है भाई साहब, वन से छोटा लिया, तो इस केस में इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं क्या होता है। याद है ना, अगर इस कंडीशन में अंदर का नंबर अगर निगेटिव तो जो रिजल्ट अंदर में है मॉड के अंदर है वो बाहर तो जरूर आता है लेकिन अपने साथ माइनस लेकर आता है। बोला चलो ठीक है भाई साहब, देखो फिर यहाँ पे अगर एक्स लेस देन वन, जीरो रखते हैं यहाँ पे, वन से छोटा है, जीरो माइनस वन निगेटिव, मतलब सर ये जो है ना अपने बाहर तो आएगा जरूर लेकिन अपने साथ क्या होगा माइनस बाहर लेकर आएगा। बोला चलो ठीक है, ये जो नटा जीरो माइनस फोर ये भी निगेटिव, मतलब इस कंडीशन में ये भी बाहर तो जरूर आएगा लेकिन अपने साथ क्या आएगा माइनस लेकर आएगा। बोला चलो ठीक है, सोल्व करना चालू कर दे फटाफट। तो माइनस एक्स प्लस वन हो गया, माइनस एक्स प्लस कितना हो गया फोर बराबर थ्री हो गया। फिर हमारे पास एक मिनट, सॉरी, हाँ, दिस इम्प्लाई दैट कितना हो गया भाई साहब, ये माइनस टू एक्स प्लस कितना बेटा फाइव बराबर थ्री हो गया। दिस इम्प्लाई दैट माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू हो गया, कितना हो गया भाई साहब माइनस टू। और दिस इम्प्लाई दैट भाई साहब एक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास वन हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया वन हो गया, है ना, x बराबर हमारे पास 1 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, x बराबर जो 1 है क्या 1 से छोटा है भाई साहब? ये बिल्कुल नहीं है, नॉट लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन को तो सॉल्व मतलब सेटिस्फाई किया नहीं। x बराबर जो मेरा 1 आया है वो x लेस देन 1, 1 से छोटा है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब सर यहाँ समझिए कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। मतलब सर क्या हो गया, देयर फोर, ठीक है, नो सोल्यूशन, ठीक है, देयर फोर क्या बेटा इन दिस केस, इन दिस केस, ठीक है ना, नो सोल्यूशन का मतलब देर इज नो एनी एक्स, ठीक है, ठीक है। आगे समझिएगा केस टू, सर केस टू की बात कर लो आप यार, ना बोला ठीक है भाई साहब। तो केस टू देख लीजिए, केस टू में क्या है अपना, वन से फोर है ना सर, इस बार दोनों तरफ इक्वालिटी होल्ड करवा देते हैं। क्यों? मैंने बोला था ना कि इक्वालिटी होल्ड ग्रेटर देन में रख दीजिए, लेस देन में रख दीजिए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक ही साथ रख दिया मैंने, भाई साहब काम खत्म करो, अगली बार मैं एक्स ग्रेटर देन फोर फोर पे काम कर लेंगे। तो वन से फोर, ये केस टू में चलो वन से फोर, तो वन से फोर का कोई एक वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, मान ली तीन रख दिया, तो थ्री माइनस वन टू पॉजिटिव, यानी जैसा है वैसा ही बाहर आएगा, है ना। आगे देख लीजिएगा सर, उसके बाद ये प्लस है, थ्री रखा था, थ्री माइनस फोर निगेटिव, मतलब जैसा है वैसा ही बाहर नहीं आएगा, वो अपने साथ क्या करेगा माइनस बाहर लेकर आएगा। थ्री कितना हो गया, एक्स माइनस वन हो गया, माइनस एक्स प्लस कितना हो गया था फोर बराबर थ्री हो गया। तो एक्स और एक्स कट गया भाई साहब, थ्री बराबर थ्री हो गया। दिस इज ऑलवेज ट्रू बेटा पास, ऑलवेज ट्रू। अगर कोई भी चीज़ कभी भी कोई भी अगर आपके पास एक ऐसा कंडीशन आ जाता जो ऑलवेज ट्रू होता है इन दिस इंटरवल, इसका मतलब ये होगा कि वो पूरा का पूरा इंटरवल इस कंडीशन का क्या है, सॉरी, वो पूरा का पूरा इंटरवल क्या बेटा इस इक्वेशन का क्या है, आंसर है। बोलोगे क्यों है? क्योंकि भाई साहब इस मतलब अगर एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लोगे ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लोगे इसके बीच में, ये ऑलवेज थ्री बराबर थ्री, थ्री बराबर थ्री, थ्री बराबर थ्री आता रहेगा। मतलब सर एक्स का हर वैल्यू, एक्स का हर वैल्यू क्या होगा हमारे पास, इसका
आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप रख कर देख भी सकते हो भाई साहब, रख कर देख भी सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। केस थर्ड की बात कर लें, केस थर्ड की, केस थर्ड में क्या होगा, मेरे पास एक्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन फोर और इक्वल टू हो चुका है यहाँ पे ना, ग्रेटर देन फोर। तो ग्रेटर देन फोर में क्या है, फोर से बड़ा नंबर रखे, देखो मैंने फाइव रखा तो फाइव माइनस वन फोर पॉजिटिव, फाइव माइनस फोर वन पॉजिटिव, सर दोनों पॉजिटिव, यानी एक्स माइनस वन आ जाएगा प्लस एक्स माइनस फोर बराबर कितना आ गया, थ्री आ गया, टू एक्स बराबर कितना आ गया, एट आ गया, तो एक्स बराबर फोर। ये जो फोर आया है, ये जो फोर आया बेटा वो क्या फोर फोर से बड़ा है क्या, फोर फोर से बड़ा नहीं है, देयर फोर मतलब इन दिस केस देयर इज क्या नो सोल्यूशन, नो क्या बेटा सोल्यूशन। तो इस कंडीशन में मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब इस केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं है, केस वन में कोई सोल्यूशन नहीं था, केस टू, केस थर्ड में कोई सोल्यूशन नहीं है, केस टू में सोल्यूशन है, तो ये पूरा का पूरा मेरा आंसर है, पूरा का पूरा मेरा आंसर है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है, किस मतलब ऑलवेज ट्रू, देयर फोर कितना हो गया बेटा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कितना पास, वन से फोर, ठीक है, एज क्या बेटा सोल्यूशन, एज क्या सोल्यूशन, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसा सोल्यूशन है, मैं बोला वन से फोर के बीच का कोई भी नंबर अपनी मर्जी से फुट कर लो यार। कोई बच्चा बोलेगा सर 3.5 फुट करके दिखा दो, या 3.92 फुट कर दो, या 2.001 फुट कर दो, कर लो ना 3.5 फुट करो, यहाँ पे 3.5 माइनस वन याद रखना, 3.5 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2.5, प्लस में है 3.5 माइनस, याद रखना 3.5 माइनस फोर दैट इज इक्वल टू -0.5, -0.5 का मॉड यानी 0.5, मुझे बताना 2.5 0.5 कितना, 3, 3 है कि नहीं है, ऑलवेज आएगा। मतलब सर ये जो पूरा का पूरा 1 से 4 है ना, ये पूरा आपका आंसर है, 1 से 4 जो पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका फाइनल आंसर है। बोला चलो ठीक है, आगे बढ़ाइए, इसको समझ में आ गया आपको शायद, है ना। चलिए अब इसका ना एक छोटा सा एक आइडिया भी देता हूँ यार, इसका एक छोटा सा आइडिया देता है भाई साहब इसका ना, अब देखिएगा कितना मज़ेदार आइडिया है इसका, ठीक है। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा, किसी एक इंडिविजुअल फॉर्मूले पे काम करता है, किसी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पे काम करता है, सब पे काम नहीं करेगा ये, है ना। तो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, अगर मैं आपसे बोल दिया नोट पॉइंट में, यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिएगा, अगर हमने बोल दिया कि मॉड ऑफ, देखिए बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस एट, याद रखना मॉड ऑफ एक्स माइनस ये कर दिया प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी कर दिया, है ना, मैंने बोल दिया था कि बराबर, और यहाँ बी माइनस से, याद रखिएगा कैसा, इसको अगर जो भी करेंगे, ठीक है, अगर इसको जीरो करके जो एक्स का वैल्यू आएगा, इसको जीरो करके जो एक्स का वैल्यू आएगा, इसमें से अगर आप इसको घटा दोगे, इसमें से अगर आप इसको घटा दोगे, तो जो यहाँ वही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, यानी इस, देखिए एक्स बराबर क्या कर दिया हमने, इसको जीरो कर दिया तो बी, इसको जीरो किया तो एक्स बराबर, तो अगर बी में से को घटा देंगे, बी में से को घटा देंगे, अगर ऐसा रिजल्ट राइट साइड में रहता है, अगर ऐसा रिजल्ट राइट साइड में रहता है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, इफ इतना अभी क्या ना देन देन सॉल्यूशन इज कैटा पास, देन सॉल्यूशन इज कितना पास, देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू वेयर ए टू बी, है ना, ए से बी के बीच में लाई करेगा ऑलवेज, ए से बी के बीच में लाई करेगा ऑलवेज। अभी जो क्वेश्चन था ना वही था, याद करो x माइनस वन का मॉड है, x माइनस फोर का मॉड है बेटा, ये कितना है थ्री है, फोर में से वन गया कितना आ गया तीन था ना ऐसा, इसलिए क्या गया था वन से लेकर फोर, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया था, है ना। तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, इसे आप आइडिया वाइज देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाएगा, है ना। अच्छा देखिएगा इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए, हमने बोल दिया देखिए बेटा ना, इफ मैंने बोल दिया, देखिए हम एक्स प्लस टू, अब प्लस कितना हमने बोल दिया, एक्स माइनस क्या बेटा पास फाइव, अब बराबर हमने क्या बोल दिया भाई साहब आपके पास बोल दिया कितना सेवन, कितना बोल दिया सेवन, सेवन बोल दिया मैंने, बोला देन फाइंड एक्स कैटा पास, देन फाइंड एक्स, एक्स निकालना है, सोल्यूशन आपके पास दो मिनट के अंदर लिख दोगे आप, ठीक है सर। यहाँ पर ए बराबर कितना है भाई साहब, देखना एक्स माइनस ऑफ माइनस टू ऐसा तो लिख सकते ना, है ए बराबर कितना है माइनस टू, बी बराबर कितना है भाई साहब फाइव, मुझे बताना बी माइनस ए, बी माइनस ए बराबर कितना फाइव माइनस माइनस टू दैट इज इक्वल टू सेवन, यही है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू क्या, इसको जीरो करो माइनस टू, यानी ए से बी यानी माइनस टू से फाइव, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। बहुत ही परफेक्ट चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ना। तो ये हमारे पास हो गया, लेकिन ध्यान रखें, ध्यान आपको यही देना है कि ऐसा होना ज़रूरी है भाई साहब, ऐसा होना ज़रूरी है, नहीं हुआ ना यार तो बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल, आप याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आप लिख लीजिए फटाफट और हम इसके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर करेंगे हम लोग ना, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं तो फिर देखेंगे यहाँ पे सर कैसा क्वेश्चन है ये।
सर्जरी। और हाँ, अगर इस मतलब सीधा सर इस कंडीशन पे नहीं आया ना तो सर ब्रेक कर देंगे और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, देखिए ना, इफ एक्स माई एक्स प्लस टू का मॉड, ठीक है, आप प्लस कितना है या फिर माइनस करो, इस बार क्या करते बेटा, माइनस एक्स माइनस थ्री का मॉड बराबर हमने क्या होती है बेटा, फोर है। देन फाइंड, समझिएगा ना, देन क्या पास, फाइंड एक्स, फाइंड कितना एक्स, एक्स निकालना है ऐसा हमारे पास। दो ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया, तीन भी दे सकते थे, चार भी दे सकते थे, आपकी मर्जी है। मतलब ये मॉड, मॉड एक मॉड दो मॉड तीन मॉड चार मॉड और भी दे सकते थे, बट क्या जरूरत लगा हुआ है, सब तो एक ही जैसे वर्क करता है ना। सर दो मोड हैं, सोल्यूशन करना चालू कीजिए फटाफट और मजा लीजिए अपना, ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन से बात करते हैं, x प्लस टू का जो मॉड है ना, माइनस x माइनस थ्री का जो मॉड है भाई साहब, कितना हो गया, फोर है ना, याद रखिएगा। सर आपको पता है कि मुझे पता है कि मॉड जो ब्रेक होता है वहाँ पर ब्रेक होता है जहाँ पर मॉड के अंदर का नंबर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। x बराबर माइनस टू और x बराबर थ्री पर सर ये अपने बिहेवियर को चेंज कर देगा। मतलब क्या हो गया भाई साहब कि इसकी इसका अलग अलग डेफिनेशन आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, ठीक है, तो हम लोग ब्रेक करते हैं। हम लोग फिर से ले लिया अपने पास माइनस इनफाइनाइट ले लिया और हमने क्या लिया, इनफाइनाइट। चलिए सबसे पहले हो गया माइनस टू और फिर कितना हो गया थ्री, ये हो गया भाई साहब अपना केस वन है ना। अब आपके पास कितना हो गया, केस टू हो गया और कितना हो गया, केस थर्ड। क्यों, अच्छा हमने इसने इस मेथड को यूज क्यों किया, क्योंकि बेटा अब इसमें से इसको घटाने से ये आ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो कर दिया मैंने। चलो भाई ठीक है, केस वन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ले लिया सर कि केस वन की बात करो, एक्स लेस देन कितना, माइनस टू, माइनस टू से छोटा भाई साहब, माइनस टू से छोटा कितना, माइनस फाइव ले लो, माइनस फाइव ले लोगे तो माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री, दैट इज निगेटिव, मतलब मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो भाई साहब इतना तो पता है यार कि अपने साथ वो माइनस बाहर लेकर बाहर आएगा, फिर ये जो माइनस है, माइनस फाइव पुट किया था, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट अंदर निगेटिव, तो सर ये भी जब भी आएगा ना तो अपने साथ माइनस बाहर लेकर आएगा, है ना। चलो ठीक है, तो माइनस सिक्स प्लस कितना हो गया, सॉरी माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस सिक्स कितना था, माइनस टू, और ये माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री बराबर फोर, है ना। यहाँ से ये और ये कट गया, ध्यान दीजिएगा, माइनस फाइव बराबर फोर, ऐसा कभी होता है जी, माइनस फाइव बराबर फोर, दिस इज एब्सोल्यूट रिजल्ट, बिल्कुल बेकार रिजल्ट है ना, एब्सोल्यूट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट बिल्कुल बकवास रिजल्ट होता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, जो सीधा मतलब हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा मेरा आंसर नहीं है, गारंटी के साथ नहीं है। आप लिख रहे हैं देयर फोर नो सोल्यूशन, क्या था पास, नो सोल्यूशन, मतलब x लेस देन कितना पास, माइनस टू पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। मैं बोला ठीक है, आगे बढ़ो जरा सर, केस टू और केस थर्ड की बात कर लेते हैं, केस टू की बात कर ले, केस टू कितना है भाई साहब हमारे पास, x का रिजल्ट माइनस टू से बड़ा और बराबर, माइनस थ्री सॉरी बेटा थ्री से छोटा और बराबर, चलो ठीक है। इसके बीच का कौन सा, जीरो रख लो ना, जीरो रखो यहाँ पे, जीरो रखो बेटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो जैसा था वैसा ही बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस, और ये नेगेटिव है तो अपने साथ क्या हो जाएगा, माइनस लेकर बाहर आ जाएगा, माइनस लेकर बाहर आ जाएगा। चलो ठीक है भाई सब, चलो आगे बढ़ो, एक्स प्लस टू है और ये माइनस है ना बेटी, माइनस में कितना हो गया प्लस, यानी कितना, एक्स माइनस कितना हो गया थ्री बराबर फोर, कितना हो गया टू एक्स, टू एक्स और ये कितना भाई साहब माइनस वन बराबर कितना था फोर, इसको उधर लिख जाना कितना आ गया फाइव आ गया, कितना आ गया फाइव, है ना, सही है ना जी, सही है ना। एक्स बराबर कितना आ गया बेटा फाइव बाई टू, मुझे ये बताना क्या फाइव बाई टू इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, यानी फाइव बाई टू बिलोंग्स टू क्या बेटा पास, माइनस टू से थ्री, इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर एक्स बराबर फाइव बाई टू एच क्या पास सोल्यूशन, मतलब फाइव बाई टू एक्स बराबर फाइव बाई टू मेरा क्या आंसर है। ध्यान रखना ये ऑलवेज ट्रू थोड़ी आया है, ऐसा थोड़ी है कि फाइव बराबर फाइव आ गया, ऐसा होता है तब पूरा इंटरवल आंसर होता है, यहाँ तो एक्स का रिजल्ट आ रहा है, तो एक्स का अगर रिजल्ट आएगा तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्स का रिजल्ट उसमें है कि नहीं है, बात खत्म हो गया है ना। केस थर्ड की बात कर लेंगे ना, केस थर्ड की बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ना बहुत ही मतलब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केस थर्ड का, सर केस थर्ड की बात करिए आप, हम बोलिए ठीक है देख लो, हाँ केस थर्ड की मैं बात कर ली, केस थर्ड में क्या है भाई साहब कि एक्स का रिजल्ट थ्री से बड़ा, यानी एक्स का रिजल्ट जो है थ्री से बड़ा, इक्वालिटी ऊपर ऑलरेडी होल्ड करवा चुके हैं, थ्री से बड़ा, तो थ्री से बड़ा के लिए कोई फाइव नंबर पुट कर दीजिए, फाइव प्लस टू सेवन पॉजिटिव, फाइव माइनस थ्री टू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों है वो जैसा था वैसा ही बाहर आएगा, मतलब चलो भाई साहब ठीक है, ये देख लो फोर,
ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस कितना हो गया फाइव बराबर फोर, ये और कट गया कितना आ गया सॉरी ये कितना है थ्री है, यानी कितना आ गया भाई साहब फाइव बराबर फोर। ऐसा होता है जी? बिल्कुल नहीं होता, मतलब यहाँ से भी कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, देयरफॉर मतलब क्या था नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरा इकलौता आंसर है एक्स बराबर फाइव बाई टू इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन देखने के बाद आप काफ़ी मतलब मज़ेदार फील कर रहे होंगे, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है बेटा ये ना। हमने इस पर दो क्वेश्चन करवाए हैं, और क्वेश्चन अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें प्लीज़ कि सर मुझे और भी आपको इस पर मुझे वीडियो बनाकर डाल दीजिए, है ना। नेक्स्ट, अच्छा किसी बच्चे का यार कमेंट ये भी आ रखा था कि उनको ना मतलब बाइनोमियल पे क्वेश्चन का, बाइनोमियल पर उनको क्वेश्चन चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर भी बनाकर आपके पास भेजेंगे ना, जैसे जैसे समय मिलेगा आपके पास एक एक करके सारे वीडियो लाते रहेंगे। यार बात करते हैं आज हम ना इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे भाई साहब, अपना बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, गजब का मज़ेदार चीज़ है ना। मैं बता दूँ अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स नहीं पढ़ा ना यार, ठीक है, तो सच बता रहा हूँ आप बहुत कुछ मतलब खो दोगे आप, ठीक है ना। देखिएगा हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा मॉडल्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। सर पहला प्रॉपर्टीज क्या है भाई साहब, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके पास मॉड ऑफ एक्स होता है ना, मॉड ऑफ एक्स दिस वुड बी आपके पास इज ए पॉजिटिव, मतलब दिस वुड बी क्या बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दुनिया का हर रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ एक्स का रिजल्ट जीरो और जीरो से क्या होता है बड़ा होता है, पहला कंडीशन। सर दूसरा कंडीशन क्या होता है भाई साहब आपका, देख लो दूसरा कंडीशन ये होता है कि मॉड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर होता ना है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। ये हमेशा ट्रू होता है, हमेशा ट्रू होता है, देख लीजिए ना। मान लीजिए माइनस टू का मॉड का स्क्वायर कर दो, माइनस टू का स्क्वायर कर दो, बात बराबर है। माइनस टू का मॉड टू, टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर बराबर फोर, ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज क्या होगा ट्रू होगा। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है ना भाई साहब वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है यार। तीसरा नंबर जो है ना वो आपके पास देखिएगा मॉड ऑफ एक्स जो होता है बेटा, अगर हमने बोल दिया मॉड ऑफ एक्स बराबर भाई साहब के, मॉड ऑफ एक्स बराबर हमने बोल दिया के है, याद रखना के है, ठीक है ना, एंड बेटा के ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, समझने की बात हो ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, तीसरा कंडीशन है बहुत ही मज़ेदार है ना, देखिए तीसरा कंडीशन देखिए, तो इफ मॉड ऑफ एक्स बराबर के एंड के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो आप क्या बोलोगे, देन जो एक्स जो होगा बेटा वो प्लस माइनस के बराबर होता है, जो एक्स होता है प्लस माइनस के बराबर होता है। बोलो सर ये कैसा चीज़ है यार हमारा, ठीक है देख लो, आपको देखने से मतलब है ना, एग्जाम्पल देखिए मजा आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपसे बोल दिया कि फाइंड एट ए पास मॉड ऑफ एक्स बराबर सॉरी हाँ इफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स बराबर टू क्या बोलेंगे, देन फाइंड एक्स, देन के पास देन फाइंड एक्स बोला, चलो ठीक है। अब देखिए तो सोल्यूशन अगर आप इसका करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स बराबर कितना है भाई साहब टू है, तो मॉड को तो मैं ब्रेक करना जानता हूँ नहीं अच्छे से, ठीक है ना, जानते भी हैं बट कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोलूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो यार, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे आप कर दो, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर टू का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ से लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर बराबर जीरो, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना बेटा प्लस टू माइनस टू, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना प्लस माइनस टू, वो तो क्या अगर मॉड ऑफ एक्स बराबर टू है, मॉड ऑफ एक्स बराबर टू, टू पॉजिटिव नंबर याद रखना पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स बराबर टू है भाई साहब तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस टू हो जाएगा आपका, प्लस माइनस कितना हो जाएगा टू, ठीक है, तरीका भी है आप देख सकते हैं, है ना, ये हो गया भाई साहब, है ना। प्रॉपर्टी नंबर फोर की तरफ बात कर लीजिए यार आप जरा सा, बोलोगे सर प्रॉपर्टी नंबर फोर की बात करो ना आप यार, बोले चलो देखो प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर में बोला गया कि इफ मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या होता है के, ठीक है ना, कॉमा के लेस देन जीरो, के लेस देन क्या होता है पास जीरो, देन देन क्या पास देन देर इज मतलब देर इज नो इन मतलब देर इज नो सोल्यूशन, देन देन क्या होता है या ऐसा लिख दो एक्स बिलोंग्स टू क्या पास फाइव, फाइव मतलब नल सेट, फाइव मतलब नल सेट, इसको लिखने का कोई खास मतलब नहीं बनता, लिख दीजिए देन इट इज नो सोल्यूशन, इट हैज
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बोलोगे सर ये कैसा बात हो गया यार, सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? और देख लो एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया भाई साहब इफ मोड ऑफ एक्स बराबर, समझना, अगर मैंने बोल दिया मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस थ्री, मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस थ्री, समझिएगा मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस थ्री, फाइंड एक्स, समझिएगा ना, फाइंड एक्स। अब कोई बच्चा यहाँ पर स्क्वायरिंग में बहुत सारे मत कर देना यार, बर्बाद हो जाओगे यार। बोलो सर क्यों नहीं कर देंगे? मतलब कुछ सोच समझ के करना होता है, ऐसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम तभी करते हैं जब ये हम लोग श्योर हो जाते हैं कि दोनों साइड का रिजल्ट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो जीरो से बड़ा, कोई रिजल्ट जीरो से बड़ा मतलब दैट इज पॉजिटिव। मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर बोथ आर पॉजिटिव। तो हम लोग क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बट हियर देखिए बेटा, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो जीरो से बड़ा, मतलब सर एलएचएल इज पॉजिटिव बट आरएचएल इज नेगेटिव, सॉरी एलएचएस क्या होगा, यहाँ क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, एलएचएस बराबर क्या बेटा पास पॉजिटिव और कितना पास आरएचएस बराबर कितना हो गया नेगेटिव, मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब दिया हुआ क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब, दिया हुआ क्वेश्चन ही गलत है, दिया हुआ क्वेश्चन ही क्या है गलत है। तो इन दिस केस देर इज नो सोल्यूशन, इन दिस केस देर इज नो सोल्यूशन, मतलब एल एच एस हमारे पास क्या है भाई साहब पॉजिटिव है और आर एच एस कैसा है भाई साहब हमारे पास नेगेटिव है। जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर जो है कभी भी नेगेटिव नंबर के बराबर हो जाएगा क्या यार? बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नंबर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर के बराबर थोड़ी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर, मतलब यहाँ पर कोई सोल्यूशन इसका मिलने वाला नहीं है, याद रखिएगा, है ना भाई साहब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हम लोग इसके आगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग इसके आगे बात करेंगे, अभी प्रॉपर्टी नंबर कितना नंबर बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है फोर्थ हो गया ना, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर चले गए, है ना। बोलो सर मज़ा आ जाएगा इसमें, आपको सब बता रहा हूँ आपको, देखते रहिएगा, बहुत ही कमाल का चीज़ है सर। आगे दिखाओ आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाओ यार मुझे ना, है ना। चलो देखो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर फाइव की बात कर ले रहा है ना। देखिएगा अगर मॉड ऑफ एक्स बेटा, समझिए बात क्या है ना, यहाँ बोला गया इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन कितना बेटा पान लो के है एंड के ग्रेटर देन जीरो, और के क्या है ग्रेटर देन जीरो, के जीरो से बड़ा है। इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन कितना बेटा के है, के जीरो से बड़ा है ना, समझिएगा क्या होना चाहिए। तो बोला गया क्या, देन जो सोल्यूशन हो गया एक्स वो माइनस के से लेकर के बीच में होगा, याद रखिए एक चीज और, यहाँ इक्वालिटी होल्ड तो यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड, यहाँ इक्वालिटी होल्ड तो यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा, है ना। ये है, बोलो सर ये कैसा सवाल है, ये कैसे हो गया यार? मैं बोला चलो देखो यहाँ पे सोल्यूशन, है ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही सब समझ में आ जाएगा। अगर हमने बोल दिया देखिए तो इफ मोड ऑफ एक्स है ना बेटा लेस देन कितना पास फाइव, हमने बोल दिया देन क्या पास फाइंड एक्स, देन क्या पास फाइंड एक्स, सर एक्स निकालना है आपको, बोला ठीक है। क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, मोड एक्स है, बिल्कुल मोड एक्स है। चलिए सोल्यूशन करते हैं सर, हमने सोल्यूशन किया यहाँ पे, सोल्यूशन किया ठीक है, कितना आ गया देख लो बस, गिवन दैट है ना, गिवन दैट कितना मॉड ऑफ एक्स लेस देन कितना बेटा फाइव, गिवन मॉड ऑफ एक्स लेस देन कितना फाइव। अच्छा एल एच एस भी पॉजिटिव है क्योंकि मॉड एक्स है, आर एच एस भी फाइव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना कोई गलत नहीं है, है ना। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे ना भाई साहब तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, दिस इज लेस देन कितना पास फाइव का स्क्वायर। अगेन द प्रॉपर्टी नंबर टू, फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर टू एक्स स्क्वायर और इसको इधर लेके आ जाओ तो फाइव स्क्वायर लेस देन जीरो। नेक्स्ट नाउ विल हैव कितना एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो। सर आगे इसके बाद आप जानते हो यार, हमने आपके पास ना इनइक्वालिटी पढ़ाया है, हमने आपको क्या पढ़ाया बेटा इनइक्वालिटी, यार इनइक्वालिटी पढ़ा दी है। अब अगर पूछोगे ना कि ये कहाँ से हो गया तो मतलब गजब हो जाएगा फिर तो यार, है ना, समझिए ना, बवाल हो जाएगा ठीक है ना। तो वो अब नहीं पूछना आपको, बस देखिएगा अब ये इनइक्वालिटी आ गया सर, इनइक्वालिटी में ही चूंकि लीनियर फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं तो दोनों लीनियर फैक्टर को जीरो कर देंगे, एक का रिजल्ट माइनस पाँच और एक का रिजल्ट पाँच, मैंने बताया था मन में करना है। नंबर दूसरा सर, मुझे वो एक्स का वैल्यू चाहिए जो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना देगा जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब भाई साहब नेगेटिव, क्या बना देगा नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, मैंने बताया था किसी एक इंटरवल के बीच का साइन चेक करने के लिए कोई एक वैल्यू उठाते हैं, तो फाइव से बड़ा कितना सेवन उठा लेते हैं, इस इंटरवल का साइन चेक कर लेते हैं, सेवन माइनस फाइव कितना बेटा पास टू और सेवन प्लस फाइव कितना हो गया पास ट्वेल्व, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, कैसा पॉजिटिव मतलब सर पॉजिटिव।
मतलब सर 5 से इनफाइनाइट में इस पूरे एक्सप्रेशन का जो साइन है वो पॉजिटिव है, और चूंकि दोनों के पावर 1 है, 1 मतलब ऑड है, ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और नेगेटिव के बाद क्या जी पॉजिटिव। आपको आंसर क्या लिखना है, जब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन कितना हो जाए भाई साहब, 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब कि नेगेटिव, 0 छोटा का मतलब कि नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या है माइनस 5 से लेकर 5, और इक्वालिटी होल्ड तो है नहीं, ठीक है। तो यही आपके पास आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू क्या बेटा पास माइनस 5 टू 5, इसी को लिखने का तरीका x माइनस 5 टू 5, दिस इज द क्या पास फाइनल आंसर। हाँ यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। तो अगर मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x जो हो जाएगा बेटा माइनस 5 से 5 हो जाएगा, माइनस 5 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहीं भी मॉड ऑफ x लेस देन k दिख जाए, अगर आपको मॉड ऑफ x लेस देन k तो आप क्या लिख देंगे, x का जो रिजल्ट होगा माइनस k से k के बीच में होगा, मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू अगर k दिख जाएगा ना तो x का रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस k से लेकर k तक होगा, और बोथ साइड मतलब दोनों में, एंड दोनों में क्या होगा पास इक्वालिटी होल्ड होगा, इक्वालिटी क्या होगा होल्ड होगा, समझा क्या होगा आपको, है ना। एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा, एक और देखते हैं फटाफट, है ना, एक और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलेंगे, फिर उसके बाद देखें हम प्रॉपर्टी नंबर 6। सर क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब चलो देखो देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है। हाँ ये भी बहुत मज़ेदार है और ये बहुत हेल्पफुल है, ये भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ें ना आगे चीज़ों को चुटकियों में बनाना और जल्दी आसान बनाना, ठीक है ना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटा हेल्पफुल है, याद भी रखिएगा इस चीज़ को, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है सर, 6 नंबर ने मुझे बोला क्या क्या, अगर देखिएगा ना उसने बोला इफ, अच्छी चीज़ और, मॉड ऑफ x जो है ना लेस देन k है, लेस देन क्या पास k है, एंड k लेस देन 0, k लेस देन 0 क्या लिख देंगे, देन इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज क्या पास नो सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई सब देख लीजिए, सिंपल यही समझिए ना। जैसे एग्जांपल देखिए ना, मैंने क्या बोल दिया, इफ मॉड ऑफ x लेस देन कितना टाइप पास माइनस 2 क्या हो गया, देन फाइंड क्या x, लगता है सॉल्यूशन हुआ चाहिए, सोल्यूशन में क्या लिख दिया, गिवन दैट है ना मॉड ऑफ x लेस देन माइनस 2, LHS कैसा है, LHS मॉड है मतलब सर ये पॉजिटिव है, ये कैसा है भाई साहब पॉजिटिव है, ये कैसा है भाई साहब नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा हो जाएगा यार, मॉड ऑफ x लेस देन माइनस 2 क्या कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा हो जाएगा क्या यार, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब सर दिस इज नॉट ट्रू, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दुनिया का कोई भी x पुट करेंगे तो ये कभी नहीं होगा, आप क्या लिखेंगे देयरफॉर देर इज नो एक्स, क्या लिख देंगे आप, देर इज क्या बेटा पास नो एक्स, ठीक है, विच सेटिस्फाई द गिवन, क्या लिख देंगे विच सेटिस्फाई द क्या पास गिवन, गिवन क्या बेटा पास इक्वेशन, गिवन मतलब इनइक्वालिटी, गिवन क्या बेटा पास इनइक्वालिटी, हाँ गिवन क्वेश्चन बोल देना, गिवन क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे देखिए। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर सर क्या, आपने 6 बता दिया, 7 बता दो, चलो ठीक है, 7 नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग चलेंगे, 7 नंबर प्रॉपर्टी में सर क्या है देखिए, हमने बोल दिया भाई साहब कि इफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन कितना टाइप पास के, मॉड ऑफ एक्स कितना है ग्रेटर देन के है, मैंने बोल दिया के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे देन यहाँ जो एक्स होता है, एक्स जो होता है बेटा लेस देन माइनस के और x कितना है ग्रेटर देन k, ये दोनों इसका रिजल्ट होता है, ये दोनों इसका रिजल्ट होता है। एग्जांपल दिखाते हैं आपको, है ना, एग्जांपल समझिए सर, एग्जांपल देख रहा हूँ, अरे चलो देखो, हमने बोल दिया देखिए, तो इफ मॉड ऑफ x है ये लेस देन कितना है पास, मान लो 7 है ना, देन क्या पास देन फाइंड x, देन फाइंड क्या भाई साहब x, चलो ये मॉड ऑफ x है और जो राइट साइड में 7 है ना वो पॉजिटिव है, मतलब चलो ठीक है सॉल्यूशन करो, ठीक है मॉड ऑफ x क्या है ग्रेटर देन 7, बोथ साइड पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड कैसा है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं हम लोग, हम बोला ठीक है करो भाई साहब ना, स्क्वायरिंग ऑन क्या पास बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है चलो कितना आ गया, मॉड ऑफ x का स्क्वायर लेस देन ग्रेटर सॉरी ग्रेटर देन कितना 7 का स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर इन फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 2 माइनस कितना हो गया कि भाई साहब 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, फिर से वही बात एक्स माइनस 7 और कितना बेटा एक्स प्लस कितना हो गया 7 ग्रेटर देन 0, सबको पता है ना नंबर लाइन प्लॉटिंग करना,
दोनों लीनियर फैक्टर है तो नंबर लाइन प्लॉटिंग करेंगे, माइनस सेवन और कितना सेवन, सेवन से बड़ा नंबर रख के देखें, दस रख दीजिए, दस प्लस सात सत्रह, दस माइनस सात कितना आता है पास थ्री, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव कितना आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव अल्टरनेट चलेगा, समझिएगा ना। अब ये अब देखना है यहाँ पे ना, जो बच्चे इस चीज़ में अगर नहीं समझ पा रहे ना, जो बच्चे यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं भाई साहब जाके पिछला लेक्चर देखना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो समझ लीजिए आप यहाँ पे ना, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। मुझे आंसर क्या लिखना है, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब ये और ये, यानी कितना हो गया एक्स लेस देन कितना हो गया माइनस सेवन और कितना हो गया एक्स ग्रेटर देन कितना सेवन, यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये प्रॉपर्टी नंबर सेवन है भाई साहब, ये क्या प्रॉपर्टी नंबर सेवन है यार, है ना, प्रॉपर्टी नंबर सेवन है हमारे पास ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको, प्रॉपर्टी नंबर सेवन के बाद, प्रॉपर्टी नंबर सेवन के बाद प्रॉपर्टी नंबर एट पे चलते हैं ना जी, प्रॉपर्टी नंबर कितना बेटा एट पे चलते हैं, चलो भाई साहब हाँ प्रॉपर्टी नंबर एट पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर एट की बात हम लोग करेंगे, है ना, प्रॉपर्टी नंबर एट की बात करेंगे। अगला क्या हमारे पास देखिए, इफ मॉड ऑफ एक्स क्या बेटा ग्रेटर देन के, क्या बोला गया के लेस देन जीरो, आपसे क्या बोला गया देन देन क्या बेटा एक्स बिलोंग्स टू आर, एज क्या पास सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सारा रियल नंबर होगा, सोल्यूशन क्या होगा सारा रियल नंबर, कैसे बोला ठीक है एग्जाम्पल से देख लो। हमने क्या बोला भाई साहब कि इफ़ मॉड ऑफ एक्स कितना हो गया ग्रेटर देन माइनस थ्री, आपसे क्या बोला गया देन फाइंड कितना है एक्स, समझिएगा। मैं बोला भाई साहब सोल्यूशन इसका करेंगे अगर आप, सोल्यूशन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन कितना है माइनस थ्री, दिस इज द गिवन हियर ना। अब हम लोग का क्या करना है समझिएगा भाई साहब, ये जो लेफ्ट साइड है ना ये मॉड है तो दिस इज द पॉजिटिव नंबर, एंड जो राइट साइड है भाई साहब वो क्या है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। मुझे बताना जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होता है, मतलब दिस इज द ऑलवेज ट्रू, दिस इज द ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स का दुनिया को वही वैल्यू पुट करोगे तो ये तो हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, इट इज ऑलवेज ट्रू, क्या लग देंगे इट इज ऑलवेज ट्रू भाई साहब, ये चीज क्या है ऑलवेज ट्रू, आप देयर फॉर क्या लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द कम्प्लीटली सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। चलिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, मॉडुलस के जो दो तीन और प्रॉपर्टी हैं उसको फटाफट देख ही लेते हैं, है ना। चलिए भाई साहब तो देखते हैं हम लोग फटाफट मॉडुलस के प्रॉपर्टी को क्या है, एट नंबर हो गया है ना, एट नंबर है सर, नाइन टेन बता दो यार आप, है ना, नाइन टेन बता दो, ठीक है नाइन प्रॉपर्टी नंबर नाइन और प्रॉपर्टी नंबर टेन की बात करेंगे। देखिएगा सर प्रॉपर्टी नंबर नाइन की बात कर लीजिए, तो नाइन जो होता है ना ये सब ट्राइंगल लॉ से आता है, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ से आता है, क्या होता है देख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर टेन, हमने हमने बोल दिया कि मॉड ऑफ एक्स है आप प्लस माइनस मॉड ऑफ वाई है ना, समझिएगा एक्स है भाई साहब ध्यान दीजिएगा एक्स है प्लस माइनस वाई का मॉड है ना, ये लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई होता है, याद रखिएगा। टेन नंबर जो प्रॉपर्टी है ये सब कहाँ से आता है भाई साहब, तो ट्रायंगल लॉ से आता है, ठीक है ट्रायंगल लॉ इन द सेंस कि ट्रायंगल का अपना प्रॉपर्टी होता है ना है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज द ग्रेटर साइड, सॉरी सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड से क्या हो जाएगा प्लस बड़ा होगा, तो ये दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से क्या है बड़ा है। अच्छा एक श्योर है इसी में, इसमें देखिएगा ना मैंने क्या बोल दिया आपके पास भाई साहब नेक्स्ट, है ना देखिएगा। अच्छा मॉड ऑफ एक्स जो होता है माइनस मॉड ऑफ जो वाई होता है, ये जो होता है ना ये लेस देन और इक्वल टू इससे होता है, यानी एक्स प्लस माइनस वाई के मॉड से, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दो, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दोगे ना तो इलेवन नंबर प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है क्या मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया मॉड ऑफ वाई, ठीक है ना मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। इसका आप वेक्टर मेथड से भी प्रूफ देख सकते हैं, इसी का प्रूफ आप मतलब आपके पास रियल नंबर से आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल के आपके पास प्रॉपर्टीज से भी क्या कर सकते हैं इसको प्रूफ कर सकते हैं, है ना। फिलहाल मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए ठीक है ये हमारे पास टोटल 11 जो थे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, और भी अगर कुछ प्रॉपर्टी बच गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल ऐसा कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, है ना। चलिए ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग ताकि आपके पास जितने भी नए वीडियो आते रहेंगे वो आपके पास बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ आता रहेगा ना, तो बेल आइकन को भी बिल्कुल दबा लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए